अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे घर के खाने में अंडा करी, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, बॉईल किए हुए एग्स, भुने हुए जीरे का पाउडर, टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 4 हरी मिर्च, प्याज बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, तेज़पत्ता। बनाना शुरू करते हैं। तेल को हमने गरम होने रख दिया है और तेल जब गरम हो जाएगा अंडों को हम किसी कांटे के मदद से या किसी छुरी के मदद से ऐसे ब्रेक करेंगे। ऐसे ही हम सब अंडों को कर लेंगे। अब हम अंडों को तेल में ड्रॉप करेंगे। अब हम अंडे में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडों को हम अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। देखिए हमारे अंडे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम अंडों को निकाल लेंगे और इसी तेल में अब हम अंडों की ग्रेवी बनाएं। अभी हम पहले हमारे ऑयल में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, तेज़पत्ता ऐड करेंगे, प्याज चॉप की हुई डालेंगे हम। हमारी प्याज हाफ डन होने हो जाने तक हम फ्राई करेंगे। हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, हल्दी पाउडर। अब हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वरना ग्रेवी हो जाएगी काली, टेस्ट जाएगा जल। अदरक लहसुन अच्छा भून के लेंगे ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। अब हम उसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से भून के लेंगे। पाँच मिनट तक हम इस ग्रेवी को ढककर पकाएंगे। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हम अंडे के ग्रेवी को देखेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अंडा करी है तो अब हम 2 अंडे की जर्दी लेंगे जिससे कि हमारा अंडा करी गाढ़ा हो। अब हम अंडे की जर्दी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे अंडा करी में हमने अंडे की जर्दी डाली है। आप इसमें काजू पेस्ट भी डाल सकते हो, यह ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी,
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम अंडा करी में हमारे फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी अंडा करी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालें और हमारी करी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे रोटी या नान से सर्व कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कर। आप हमारे घर के खाने को लाइक शेयर और वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।